नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। सिविल डिफेंस का 58 समारोह हुआ आयोजित। सिविल डिफेंस के सदस्यों ने सिविल दिवस समारोह का आयोजन किया। इसमें भारी संख्या में सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद थी, जिसमें प्रदीप चौहान फायर फोर्स, मोहम्मद याकूब आईसीओ, सुधीर कुमार सक्सेना डिविजनल वार्डन, जयश चंद्र शर्मा एसओ अतर सुइया तथा दिवाकर सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये कार्यक्रम सिविल डिफेंस चौक प्रखंड प्रयागराज का कार्यक्रम था, जो हमारे सिविल डिफेंस में वर्ष पर्यंत जिन स्वयं सेवकों ने अच्छे व सराहनीय काम किए हैं, बाढ़ में लोगों को मदद पहुँचाना, अग्निकाल में लोगों को राहत देना, सांप्रदायिक सद्भाव व राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कार्य होते हैं उसमें प्रशासन और पुलिस का बराबर सहयोग देते हैं और शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रबंधन और सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक हमारे वरिष्ठ लोग उपस्थित होकर के लोगों ने अपने व्याख्यान दिए। और जो हमारे सिविल डिफेंस में वर्ष पर्यंत जिन वार्डन्स ने जिन स्वयंसेवकों ने अच्छे कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य किए हैं, जैसे बाढ़ में लोगों की मदद पहुंचाना, अग्निकांड में लोगों को राहत देना, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं उसमें प्रशासन और पुलिस के बराबर ये लोग सहयोग देते हैं और शांति व्यवस्था कायम करने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। आज यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और अन्य यहाँ पर सम्मान पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया है और ये एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है जिसका पूरे राष्ट्र के अंदर आज न केवल राष्ट्र में बल्कि विदेशों में भी सिविल डिफेंस का ये मनाया जा रहा है। सिविल डिफेंस डे 6 दिसंबर होता है लेकिन ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यद्यपि कि इसका गठन युद्धकालीन परिस्थितियों 1962 में हुआ था, परंतु कालांतर में भी तमाम ऐसी युद्धकालीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। उसके बाद 65 में, फिर 71 में वॉर हुए, फिर कारगिल वॉर के समय, आज भी बहुत से ऐसे छद्म युद्ध ही लड़े जा रहे हैं किसी न किसी रूप में, जिससे जिसके लिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिविल डिफेंस को बराबर संगठित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी जो दायित्व हमारे सिविल डिफेंस के वार्डनों को दिया जा रहा है उसको वो बड़ी बखूबी निर्वहन कर रहे हैं पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। और आज ये एक प्रशासन का मुख्य अंग होते हुए ये समाज और राष्ट्र प्रति हम समझने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार, चीफ ऑर्डर, सिविल डिफेंस प्रयागराज।